हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको इंग्लिश शॉर्ट हैंड का सेकंड चैप्टर सेकंड अध्याय मींस आज आपको हम व्यंजनों को स्ट्रोक को जोड़ना सिखाएंगे। ठीक है, तो जैसा कल हमने आपको बताया था, ये सारे आपको अपने पहले वीडियो में हमने आपको ये सारे कंसोनेंट बताए, अल्फ़ाबेट बताए जो है ना, इसमें अभी वॉवल्स नहीं है, सिर्फ अभी हमने स्ट्रोक कंसोनेंट बताए हैं आपको। ठीक है, तो ये आप इस पेज को यहाँ से निकाल करके आप बगल में रख लेंगे प्रैक्टिस करते समय। ठीक है, अब हम आपको प्रैक्टिस करना सिखाएंगे, जैसे लिखना, इनको मिलाना, इनको जोड़ना। ठीक है, अब जैसे हमें कुछ भी लिखना है सपोज, तो सबसे पहले जैसे हमने लिख लिया के टी, ऐसे लिख लिया, कुछ भी ले लिया, पी टी डब्लू लिख दिया, डब्लू पी वाई लिख दिया, वाई एच के लिख दिया, एम एच पी लिख दिया, कुछ भी ऐसे तमाम लिख लीजिए आप, के डब्लू वाई पी लिख दिया। ठीक है, ऐसे डब्लू एच डब्लू के, कुछ भी ऐसे तमाम आप खूब सारे आपने लिख लिए, ऐसे वॉवल्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि वॉवल्स अभी हमने आपको बताया नहीं। अब लिखते समय आप इस पेज को बिल्कुल अपने पास रखिए, हमने कल आपको प्रैक्टिस के लिए बताया था, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा तो सारे स्ट्रोक सारे कंसोनेंट आपको याद हो गए होंगे, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, इसको आप सामने रख लीजिए। ठीक है, अब जैसे हमें लिखना है के और टी, अब के याद है ठीक, नहीं तो हम अपना पेज निकालेंगे, इसको देखेंगे, के हमने बनाया है। अब ये बना कैसे है, कैसे बना, ऐसे डायरेक्शन इसका ये है। ठीक है, माप आपको हमने बता ही दिया था के है, और कैसे बना ये देखा, टी आपका ये है। ठीक है, कैसे बना ऐसे। ठीक है, अब लिखते समय हमें ये ध्यान रखना है, जैसे के पहला स्ट्रोक बीचों बीच, ये के जितना बड़ा हमने बताया, जो माप आपको जो लेंथ बताई वो, अब पेंसिल नहीं उठेगी, क्यों, क्योंकि जहाँ से कोई चीज़ ख़त्म वहीं से शुरू होता है। जैसे हमने आपको सिखाया कि कल हमने आपको कंसोनेंट बताया, तो आज हम इसके आगे बढ़ रहे हैं ना, लिखना सिखा रहे हैं, तो इसके आगे हम इसको मिलाना, यानी ये जहाँ से ख़त्म वहीं से दूसरा स्टार्ट होता, सीधी सी बात है। ठीक है, अब यहीं से टी, अब टी अब पेंसिल उठाए, टी जैसे बनता है, कैसे बनता है याद है ठीक, नहीं फिर अपना पेज पीछे से देखेंगे, ये टी, अब ये लाइन कट कर रहा नहीं कर रहा हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब जैसे पी टी डब्लू, अब पी पहले पी देखेंगे आप, पी कैसे बनता है आप देख लेंगे पेज से, टी और डब्लू कैसे बनता आप देख लेंगे। ठीक है, पी टी डब्लू, सपोज टी मान लो टी पी डी ऐसे लिखना है, चलो पी पी बन गया हमारा, सपोज पी बी डी लिखना है, तो पहले पी पहला बीचों बीच पी, अब बी भी ऐसे बनता है बट वो डार्क होता है। ठीक है, डार्क हमने सिखाया था आपको, डार्क बी देखिए ये है ना, बी डार्क, तो इसी को हम यहीं से अब डार्क, पेंसिल दबाएंगे थोड़ा डार्क, यहाँ से हमें नहीं दिखेगा क्योंकि ये पेन है, तो पी बी बन गया, अब डी याद है ठीक, नहीं फिर देखेंगे अपना आप। ठीक है, ये डी ऐसे डार्क। ठीक, अब ये अगली लाइन को डिस्टर्ब करा कहाँ जा, कोई मतलब पहला बीचों बीच। ठीक है, अब डब्लू हमने आपको सिखाया, ये दिखाया है, वाई ये सिखाया है। ठीक है, जैसे पी डब्लू लिखना है, पी डब्लू, पी आपने पहला बिल्कुल बीचों बीच और ये डब्लू, पेंसिल नोट कीजिए, जिस फ्लो में जिस डायरेक्शन हमने आपको फ्लो डायरेक्शन का दिखाया। ठीक है, पी डब्लू, पी वाई लिखना है, पी वाई, वाई के लिए बैक, क्यों, क्योंकि हमने आपको प्रैक्टिस कराया होगा, आपको याद होगा आपने प्रैक्टिस किया है, वाई हम बैक आके बनाते हैं। ठीक है, बैक यानी वाई बैक, बैक मीन्स जहाँ पहुँचे वहीं पर उसी लाइन पर बैक, इतना हमारा वाई का, ये नहीं कि हम इसको उठा गोल करें। ठीक है, क्योंकि इसमें हुक होता है, यहाँ हुक इतना हुक का काम करेगा, जैसे एम डब्ल्यू लिखना, सपोज एम डब्ल्यू, एम वाई लिखना, एम वाई के लिए बैक, अब यही हमारा इतना, यहाँ देखिए हुक दिख रहा है आपको। ठीक है, टी डब्ल्यू लिखना है, टी डब्ल्यू, टी वाई, टी बैक, ए वाई, इतना हमारा वाई का काम करेगा। ठीक है, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, जितनी बार मर्जी उतनी बार इस पेज को रखेंगे और इसको एक एक चीज़ें आप यहाँ से देख के बना सकते हैं। ठीक है,
बिल्कुल देखिए, कोई सोचने की जरूरत नहीं है, हमने इसको आप एक जगह कॉपी में नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर आप देख देख के प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ हमने लिखा डब्लू एच डब्लू के, अब डब्लू आपका ये, एच ये, फिर डब्लू ये और ये के, ठीक है, क्लियर। अब हमने आपको सिखाया है एच दो तरीके से बनता है, एक ए भी बनता है और एक ए भी बनता है, ठीक है। जब आफ्टर में बाद में आए, ठीक है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, जब भी एच बाद में आए यानी शुरुआत में ना आए, पहले ना आए, पहला कंसोनेंट एच ना हो, तब आपको यही बनाना पड़ेगा। जब भी बाद में पहले शुरुआत में आ जाए, जैसे एच के लिखना है तो एच आप पहले आ गए एच, तो आपको कोई भी बनाइए, ठीक है। इसको हम लिख दे रहे हैं आपका ए आफ्टर में, आफ्टर यानी बाद में जब भी आएगा तो आपको यही एच बनाना है। जैसे एच के है, एच ए भी बना सकते हैं, ए भी है, लेकिन जैसे यहीं लिखा है एम एच पी, अब एम है पहले, पहले एम देख लेंगे अपना याद है, ठीक, नहीं तो पे से एम, अब एच ही बनेगा आपका और ये पी, ठीक है, समझिए ना। एच अब जैसे क्या है के डब्लू, पहले के डब्लू, वाई के लिए बैक, बैक ए पी, ठीक है, के डब्लू वाई पी, ठीक है, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस बिल्कुल आपको फ्लो डायरेक्शन याद रखना है, लाइट डार्क याद रखना है, जो लाइट है उसको लाइट बनाएंगे, डार्क है तो डार्क कैसे होता है, ए वी एम ने आपको बताया था डार्क साउंड निकलता है तो डार्क, तो ये सब आपको याद नहीं रखना है, बस पी बी, पी लाइट होता है, बी डार्क होता है, ठीक है, इसको हमने पहले वीडियो में आपको बता दिया है। तो इस तरह से आप खूब सारा ऐसे जैसे इस इतना दस लिख लिया, ए डब्लू पी एच लिख लिया, एच डब्लू पी लिख लिया, के वाई टी लिख दिया, टी डब्लू पी डब्लू, ऐसे तमाम आप सारा लिख लिख के दो चार पाँच दस पेज जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतनी आप प्रैक्टिस करिए अच्छे से, ठीक है, देन आपको अच्छे से आ जाएगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी वॉवेल्स मात्राएँ, ठीक है, तो आपको हम वॉवेल्स बताएंगे मात्राएँ, तो आपको सब कुछ लिखना आने लगेगा, जैसे आपका कुछ भी नाम होगा तो सब नाम जैसे कुछ भी लिखें उसमें वॉवेल और कंसोनेंट दोनों जरूरत पड़ती है। अभी हमने आपको कंसोनेंट बताएं और इनको हमने जोड़ना सिखाया, लिखना सिखाया, अब इसमें हम वॉवेल्स बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तो इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस करिए जिससे कि हम आपको वॉवेल्स बताएं, तो फिर आपको एक कंसोनेंट देखने की ज़रूरत ना पड़े, इतनी प्रैक्टिस करिएगा आप, ठीक है, ओके स्टूडेंट, थैंक यू।